द फ्रंट पर मेरे साथ देखिए साधु जगबाव राणा। पहलू खां के सारे आरोपी बरी कर दिए गए। जब बरी किए जा रहे थे तो जज ने अपने फैसले में कहा, सेशंस जज ने, कि साहब सफिशियंट एविडेंस नहीं थे हमारे पास, साक्ष्य के अभाव में हम इन्हें छोड़ गए। मुजफ्फरनगर में 63 लोग मारे गए एक खास कम्युनिटी के, उसमें भी यही कहा गया कि साक्ष्य का अभाव है। ये साक्ष्य का अभाव क्या होता है जिसमें कि सरेआम दिन दहाड़े वीडियो रिकॉर्डेड घटनाओं में कोई पहलू खां, कोई अखलाक, कोई तबरेज, कोई जुनैद मार दिए जाते हैं। और वही क्यों मारे जाते हैं? दिल्ली में अमित भी मारा जाता है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं। फिर न्याय का वो कौन सा चश्मा है जिसमें कि साक्ष्य के अभाव दिखाई देते हैं? और अगर दिखाई देते हैं तो क्या न्याय पंगु हो गया है? हमारी चिंता ये नहीं है कि पहलू खां के आरोपी छूट गए, मुजफ्फरनगर के भी आरोपी छूट गए, ऐसे तमाम जो घटनाएं हो रही हैं मॉब लिंचिंग की, और खास करके कभी गाय को लेके, कभी वंदे मातरम को लेके, ये सारे आरोपी 2-4 साल के बाद अदालत के चौखट से सीना तानते हुए निकल आते हैं ये कहते हुए कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, और जज अपना काम आगे बढ़ा देते हैं। आखिर ये है क्या साक्ष्य का अभाव, और क्यों ये साक्ष्य के अभाव में बड़ी बड़ी घटनाएं छूट रही हैं? चिंता ये नहीं है कि पहलू खां छूट गया, चिंता ये है कि एक पैटर्न है इसके पीछे। जब पैटर्न होता है तो वो हमारे समाज में संस्थाओं के प्रति विश्वास खत्म करता है। मेरी चिंता कल से ज़्यादा हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के जज, और बड़े प्रखर जज, उनकी क्वालिटी जजमेंट की अगर आप पढ़ें तो तबीयत खुश हो जाती है। जस्टिस चंद्रचूड़ एक सेमिनार में तकरीर कर रहे थे मुंबई में पिछले शनिवार को, और वहाँ पे उन्होंने पहलू खां की घटना का जिक्र किया और कहा कि भाई जिन जिन घटनाओं की कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को, उनमें तो क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन बहुत अच्छा है, उसमें अभियोजन की गुणवत्ता, अभियोग की बहुत अच्छी हो रही, जांच की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो पुलिस कर रही है उसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब है। मजबूरी ये है कि हमारे जजेस को जो उनके सामने साक्ष्य आते हैं उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के बिना पे, उन्हीं के आधार पे हमें फैसला जजेस को देना होता है। जजेस का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज का कमेंट, कहीं ये दिखाता है कि कितना निरीह है ये सिस्टम। और आप जानते हैं कि संगीन से संगीन घटनाएं, बड़ी से बड़ी घटनाएं, ओरिजिनल कोर्ट जो होता है वो सेशंस कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ ऑरिजिन जिसे कहते हैं वो सेशंस होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये कहे कि साहब वो तो साक्ष्य जो आते हैं उसी के भरोसे पे देना होता है, पहलू खां में हुआ क्या? पहलू खां में 2 वीडियो आए, जबकि वीडियो एक ही तरह का होना चाहिए, और दुनिया ने देखा कि अगले 6 घंटे में हिंदुस्तान के हर चैनल ने बताया कि पहलू खां को किस तरह मारा जा रहा है, कौन लोग मार रहे हैं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि वो FSL को, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को, पुलिस ने वो वीडियो नहीं भेजा जो पहला वीडियो था। एक दूसरा वीडियो आता है, उसमें कुछ और लोग मारते दिखाई देते हैं और किसी को मार रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि कुल मिला के ये नहीं पता लग पाया कि असली वीडियो कहाँ है, और उसको चूंकि FSL में नहीं कराया गया था उसकी जांच, तो उसका ये मतलब हुआ कि एविडेंशियरी वैल्यू उसकी ख़त्म हो गई, कोर्ट ने उसको एविडेंस के रूप में लिया ही नहीं जो कि ओरिजिनल वीडियो था। उसके बाद गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इतने ग्लेयरिंग लैक्यूना थे उसमें, कमजोरियां थी प्रोसिक्यूशन में, क्योंकि उस समय एक खास पार्टी की सरकार थी राजस्थान में। लेकिन आप क्या कहेंगे,
जो दूसरी पार्टी शासन में आई उसके शासनकाल में भी इसको करेक्ट किया जा सकता था। भारत के अपराध न्याय प्रक्रिया जिसको हम CRPC कहते हैं उसमें ये उपलब्ध है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, पुलिस के पास, कि अगर वो चाहे तो कोर्ट में कह सकती है कि साहब ये कुछ नए तथ्य मिले हैं, ये हम रखना चाहते हैं। पर जो नई सरकार आई उसने भी कुछ नहीं किया, पहलू खां छूट जाता है। कमोबेश यही स्थिति मुजफ्फरनगर में भी हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये कहे कि जज के पास जो साक्ष्य आएगा उसी के भरोसे केस होगा, तो फिर संविधान में और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक दर्जन अपने उसमें कहा है फैसलों में कि जो मजिस्ट्रेट को अधिकार होते हैं री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने का, वो अधिकार सेशंस जज को भी होते हैं। क्योंकि वार्ड में नहीं करा, सेशंस जज जब ट्राई करता है किसी केस को, ट्रायल करता है, तो अगर उसको कोई कमी दिखाई दे रही है तो वो री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, ये कहा गया है और ये उपलब्ध है। तो क्यों नहीं इसको एक पक्का मुकम्मल इंतजाम कर दिया जाता, या तो आप सरकार से कहें कि कानून बनाए, या सुप्रीम कोर्ट अपने पावर से जो अनलिमिटेड पावर है उसके पास आर्टिकल 142 में, जिसका अक्सर वो इस्तेमाल करता है और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निंदा भी की जाती है कि इसकी जरूरत नहीं थी, उसी का इस्तेमाल करके आज आप सोचें। प्रश्न ये नहीं रहे कि पहलू खां छूटा, प्रश्न ये है कि पहलू खां, जुनैद, तबरेज, इनको मारने वाले जब वो छूट के आते हैं तो कल वो क्या करेंगे, किसी और पहलू खां को तलाशेंगे? क्या ये डर का सबब नहीं है? और न्याय होता क्या है? जस्टिस हमेशा इन एक्शन समझ में आता है, और जस्टिस अगर एक्शन में है तो उसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये एक्शन में है तो न्याय कहीं भी बाधित नहीं किया जा सकता। क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को एक पब्लिक जनमंच से कहना पड़ रहा है कि इसमें तो मजबूरी है, जज के पास तो जो साक्ष्य आएगा उसी पे। क्यों जज के पास साक्ष्य आएगा? आपके पास पावर्स है, आप उसको कह सकते हैं, और ये जजमेंट पे ऑलरेडी है, कम से कम 3 जजमेंट ऐसे, अभिनंदन झा का जजमेंट है, धर्मपाल का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पावर्स 173(8) में CRPC के और 156(3) में मैजिस्ट्रेट को उपलब्ध हैं, वो सेशंस कोर्ट को भी उपलब्ध हैं। लिहाजा क्या सेशंस कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए कि इसके री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराए, कहे कि ये चीजें पुलिस ने नहीं की है, इसको फिर से देख के लाओ? लेकिन आप देखिए कि किस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं। इन सब के बाद अब दूसरा पक्ष इसका क्या है? आज तो गवर्नमेंट बदल गई है, किसी और पार्टी की है, पूरे देश में उसकी थूथू हो रही है, लिहाजा उसने इमीडिएटली कहा कि हम री इन्वेस्टिगेट कराएंगे पूरे केस को। यह भी कहा कि हम अपील भी करेंगे इस केस में, अपील में, हालांकि पहलू खां के बेटे जा रहे हैं अपील में, लेकिन सरकार भी कह रही है कि हम अपील करेंगे, सरकार अपील करेगी। अगर मान लीजिए कि यह सरकार ना होती, कोई और सरकार होती, पहले वाली सरकार होती, तो वो क्यों अपील करती? और यही हुआ मुजफ्फरनगर केस में। मुजफ्फरनगर केस में इतने ग्लेयरिंग कमजोरी पुलिस ने की है वहां पे अपराधियों को के खिलाफ सबूत जुटाने में, इतनी कमजोर कर दिया है केस को कि कोर्ट को छोड़ना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने री इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया। कमोबेश वैसे ही जैसे पहलू खां में अब नहीं हुआ है, उसी तरह से यूपी में नहीं हुआ, लेकिन यूपी में सरकार नहीं आई है, 2 साल हो गए उसको काम करते हुए। लिहाजा इस सरकार ने कहा कि जो 63 लोग मारे गए हैं, जिनके और जिस केस के आरोपी छोड़े गए हैं, आरोप क्या थे? मर्डर, 63 लोगों का मारा जाना सामूहिक रूप से, घरों को जला देना, औरतों के साथ बलात्कार करना, उस केस में भी छूटने के बाद आज सरकार कह रही है यूपी की हमें कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। क्या न्याय पे भरोसा रहेगा? प्रश्न इसका नहीं है कि किसने किसको मारा, कोई भी संजीदा आदमी जो समाज में थोड़ा सा सोचता है स्थितियों को, क्या वो इस स्थिति को बर्दाश्त करेगा कि नहीं
सरकार जो चाहे, दरोगा जी जो चाहे, दरोगा जी पैसे लेके केस छोड़ दें, या कप्तान साहब इशारा कर दे तब छोड़ दिया जाए, या गवर्नमेंट का इशारा हो या लोकल एमएलए का इशारा हो, कैसे चलेगा यह न्याय प्रणाली? और इसमें प्रश्न पहलू खा के छूटने का नहीं है, समाज के कलेक्टिव कॉन्शियंस को झकझोरने का ये माना गया था मच्छी सिंह केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब फांसी उसी केसेस में होने चाहिए जिसमें कि अपराध ऐसा हो, ऐसा किसी की हत्या हुई हो जिससे समाज के जो विवेक होता है उसको, सामूहिक विवेक को झकझोरते, कॉन्शियंस को झकझोरते। बड़ी अच्छी बात कही थी, लेकिन क्या पहलू खां जब छूटता है तो समाज का कलेक्टिव कॉन्शियंस हर्ट नहीं होता? क्या उसको भरोसा होता है न्याय में? और ऐसे में उपाय क्या है? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? क्या सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि नहीं साहब सेशंस कोर्ट में कोई सजा नहीं होती है और सरकार अपील नहीं करेगी अगर बदल गई है या आपने मन किया गई है? क्या न्याय इस तरह चलेगा? क्या ये सोशल कॉन्शियंस को इसने हर्ट नहीं किया? पहलू खां दुनिया से चला गया, अखलाक भी चला गया, तवरेज और जुनैद भी चले गए, लेकिन हमारे जो सामूहिक विवेक है, कलेक्टिव कॉन्शियंस है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। और हमें ये देखना पड़ेगा, और यही केस अगर अमित को आके एक संप्रदाय विशेष के लोग मारते हैं तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उसको भी कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा है, उसके केस को भी कमजोर नहीं। लिहाजा जब भी कोई अपराधी छूट जाता है तो वो किस समुदाय का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम न्याय प्रणाली पर जब नजर डालेंगे तो दोष वहां नजर आएगा। हम सबको मिलकर इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। खबर नहीं, खबर की पूरी समझ, साफ और निष्पक्ष आपको बताएंगे देश के नामी पत्रकार और विशेषज्ञ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।